नमस्कार, मैं आयुषी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ KKR न्यूज़ में। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। जैसे ही चने की खरीदी की गई, लोकायुक्त पुलिस ने खरीदी केंद्र के प्रबंधक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए समिति प्रबंधक का नाम विजय दुबे है। यह घुसखोर प्रबंधक सागर विकास खंड के साईखेड़ा खरीदी केंद्र का संचालक है, जिसने ग्राम पावाखेड़ी के किसान चंद्रभान से चना खरीदी के एवज में 13,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी पहली किस्त 3,000 रुपए वह ले चुका था और आज दूसरी किस्त 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त द्वारा धर दबोच कर लिया गया है। मामले में पुलिस ने प्रबंधक को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही कर रही है। सागर से SN पटेल की रिपोर्ट, KKR न्यूज भोपाल। पैसा मांग रहे थी 70 रुपए जब हो रहा 3,000 हमने बैलों दे रहे थे और 5,000 रुपए था पकड़वा। आप किसान हैं क्या? किसान हैं। कहाँ से हैं? चावड़ा। कितने हजार की रिश्वत मांग रहे थे? 13,000। कौन मांग रहा था? विजय दुबे। किस संबंध, कितने मांगे थे आपसे, कितने पैसे मांगे थे? 13,000 रुपया। तो आप दे कितने? 3 दे चुके थे हम पहले और वहाँ चले जाए हमने के बाद में नहीं। और करवाने आपके पास कितना क्विंटल गेहूँ वो चना? हमारा अभी 80 क्विंटल चला। चंद्रभान सिंह निवासी चावड़ा ने हमारे यहाँ कंप्लेंट किया था। समिति प्रबंधक पामा खेड़ी खरीदी केंद्र प्रभारी भी हैं, उनके द्वारा उसकी माँ का और भाई महेंद्र उनके जो चना है उनके चना की तलाई के एवज में प्रति क्विंटल 70 रुपीज के हिसाब से रिश्वत की मांग की जा रही है, तो आज 5,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की सारी सुर्खियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।